Hello friends, so today we will talk about a very helpful feature of Microsoft Windows जिसे हम बोलते हैं multitasking snap window feature, जो आपके काम करने को तरीके को बहुत easy और efficient बनाता है। अब ये multitasking feature होता क्या है, so जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे पास में two windows open है, एक तो मेरे पास में browser है और second मेरे पास में Microsoft Word है, clear? मैं दोनों ही windows के ऊपर एक ही screen के ऊपर simultaneously काम कर सकता हूँ। so कैसे करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर type किया hello, okay? तो अब यहाँ पर जब मैंने इसमें वर्ड के अंदर टाइप किया तो ये वाली स्क्रीन भी मेरी विजिबल है और ये वाली स्क्रीन भी विजिबल है। सो मल्टीपल एप्लीकेशंस या फिर मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल फोल्डर्स के ऊपर अगर मुझे कोई काम करना है एक स्क्रीन के ऊपर, देन आई विल यूज दिस फीचर, सो इट विल सेव योर टाइम। अब बात आती है कि इसे करना कैसे है, तो अगर इसको आपको करना है तो आपको पहले यह चेक करना होगा कि आपके जो विंडोज है उसके अंदर स्नैप विंडो वाला ऑप्शन ऑन है या ऑफ है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन में यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, दिस गियर आइकन, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाना है, ये है हमारा सिस्टम ऑप्शन। सिस्टम ऑप्शन पे जब हमने क्लिक किया, ऑन द लेफ्ट पैनल अगर आप लेफ्ट पेन के ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका स्निप विंडो ऑप्शन है वो ऑन है या ऑफ है। अगर ये इस तरह से ऑफ है तो आप उसको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। सो स्नैप विंडो ऑप्शन को ऑन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इन विंडोज को स्नैप करना है, यानी जो स्क्रीन एरिया है उसके अंदर एडजस्ट करना है। तो जितनी भी हमारी ओपन विंडोज होती हैं उनको हम अपने स्क्रीन के ऊपर कैसे एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में दो तरीके हैं, एक तो हम माउस से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बार मैं इन दोनों विंडोज को क्या करता हूँ, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। इस विंडो को मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, दूसरी हमारी जो विंडो है इसको भी मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। सो मैक्सिमाइज करने के बाद में हमको अगर इसको स्नैप करना होता है कि हम क्या करेंगे, अपने माउस कर्सर को टाइटल बार के ऊपर लेकर के जाएंगे और टाइटल बार पे ऊपर लाने के बाद में इसको हम ड्रैग करेंगे एज की तरफ, या तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा, देखो हमारे पास में एक आउटलाइन आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि ये विंडो कितने एरिया में जाकर के एडजस्ट होगी, और जब मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉप किया तो ये वन विंडो यहाँ पर एडजस्ट हो गई। अब जो रिमेनिंग हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास थ्री विंडोज ओपन है अभी इस टाइम में, क्लियर? तो हमारा जो लेफ्ट वाला जो पेन है वो तो हमारा ऑक्यूपाई हो चुका है, राइट के अंदर हमारे पास में ऑप्शन है कि हमको कौन सी विंडो को एडजस्ट करना है राइट वाले इस पेन के अंदर। सो मैंने सपोज इस वाले को एडजस्ट किया तो ये वाली विंडो मेरी यहाँ पर आ गई, यानी अब हमारी स्क्रीन जो है वो टू विंडोज को ऑक्यूपाई कर रही है। नाउ अब हमारे पास में थर्ड विंडो है, सपोज इसको मुझे वन फोर्थ स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लेकर के आना है, इस जगह ऊपर की साइड में लेकर के आना है। तो मैंने थर्ड स्क्रीन यानी इसको ओपन किया, अभी मैक्सिमाइज फॉर्म के अंदर है, मैंने इसको क्या किया यहाँ से ड्रैग किया और ऊपर की तरफ मैं लेकर के गया। ऊपर की तरफ लेकर के गया, देखो ऊपर जो ये राइट वाला जो पेन है उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक हमारे पास में आउटलाइन आ गया। जब मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉप किया तो ये विंडो यहाँ पर ड्रॉप हो गई। अब जो रिमेनिंग एरिया बचा हुआ है हमारा स्क्रीन पे, उसमें हमको क्या एडजस्ट करना है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये यहाँ पर एडजस्ट हो गई। सो माउस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से विंडोज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड को यूज करना है, आप कीबोर्ड के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड के थ्रू ऐसा करना है, सपोज ये गूगल वाली जो स्क्रीन है इसको मुझे राइट में लेके आना है, तो कीबोर्ड में हम विंडोज की को यूज करते हैं जो हमारे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के साइड में होती है। तो विंडोज की को प्रेस करना है और साथ में हमारे को क्या करना है, जो एरो कीज होती है न्यूमेरिक कीबोर्ड के पास में, वहां पर उन एरोज कीज को हमको यूज लेना है। सपोज इस वाली विंडो को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, विंडो बटन के साथ में यानी विंडो की के साथ में मैंने राइट एरो की को यहाँ पर प्रेस किया, पर हमारे पास में राइट के अंदर ये विंडो आ गई, ठीक है। अब रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें आपको किसको एडजस्ट करना है, सपोज मैंने इसको एडजस्ट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास में ये विंडो आ गई। अब इस वाली विंडो को मुझे हाफ साइज में करना है, यानी इसको नीचे लेकर के आना है हाफ एरिया के अंदर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट द विंडो और मैंने क्या किया, विंडो के साथ में इसको डाउन एरो की दबा दिया तो ये नीचे आ गई, और जो रिमेनिंग पोर्शन में है उसमें हमारी कौन सी स्क्रीन एडजस्ट हो गई, ये वाली स्क्रीन एडजस्ट हो गई। सो यू कैन यूज विंडोज कीज अलोंग विद द टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट बटन्स टू एडजस्ट द स्क्रीन्स, लेकिन ध्यान रहे कि वो स्क्रीन हमारी सेलेक्ट होनी चाहिए जिस स्क्रीन को हमको एडजस्ट करना है, क्लियर? दिस इज वेरी हेल्पफुल, सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ये हमारा एमएस वर्ड है, उसमें आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपने क्या किया कुछ भी, सपोज यहाँ पर टाइप किया कि मैंने लिखा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस लिखा, यहाँ पर हमारे पास में हेल्प आ गई, ठीक है। हमने यहाँ से कुछ टेक्स्ट को कॉपी किया, ये मैं टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ड्रैग करके भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। मुझे कहाँ पर इसको पेस्ट करना है, सपोज यहाँ करना है नीचे, तो मैंने इसको ड्रैग करके और अपनी विंडो के ऊपर इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया। सपोज आई वॉन्ट टू इंसर्ट एन इमेज, मुझे यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करनी है,
यहाँ पर मैंने सपोज हैंड नेम की एक इमेज यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर ली। यानी आपको क्या करना है कि जो मल्टीपल जो विंडोज हैं उसमें आपस में स्विच होने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्क्रीन पर सभी विंडोज को देख करके अपना काम बहुत ईजिली और एफिशियंटली कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।